कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। जरा कुछ अपने टैलेंट का मुजाहरा दिखाएंगे हमें। यहाँ जो आपने मिमिक्री वाली बात की तो जरा कुछ बताइए। मैं आपको अमजद साबरी की जो है वो सबसे पहले उनकी मिमिक्री करके दिखाऊंगा। अमजद साबरी मरहूम, क्योंकि उस्ताद मोहतरम, मुझे ये शर्फ तो नहीं मिला कि मैं उनका शागिर्द बनता, लेकिन उनको मैंने इतना सुना है कि उनके वोकल्स गले में थोड़े बहुत जो मुझे लगता है मैं इस काबिल हूँ वो सेट हो गए। तो मैं आपको उनकी आवाज़ में आज उनका कलाम, जो लेटेस्ट उनका कलाम था आखिरी जो उन्होंने पढ़ा था, तो वो सुनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे जो हम चलते रहेंगे। माइक ले लीजिएगा जी। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्खा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने ताज़ा कर दी। मेरी दुआ थी कि अल्लाह पाक मुझे वो शरफ देता कि मैं उनका शागिर्द बनता। अमजद भाई के साथ बेशुमार प्रोग्राम मैंने किए और बहुत अच्छा साथ, बड़े प्यार करने वाले, बड़े शफीक इंसान थे। अल्लाह पाक उनको हरी के रहमत करें, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। और यही रमज़ान मुबारक का महीना था जब वो हमें छोड़ के गए। बिल्कुल। और हर आंख अशबार थी, हर दिल रंजीदा था, और अमजद साबरी जैसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता जो बात है, लेकिन कुछ उनके कलाम कुछ ऐसे हैं जो हमें फिर से ज़िंदा कर देते हैं। और आज तो आपने वाकई वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह आपको सलामत रखे। और किसी की मिमिक्री करेंगे? इसके अलावा एक नामवर जो है वो सियासतदान भी हैं और होस्ट भी हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनकी आवाज़ जब निकालूंगा तो आप लोग यकीनन पहचान जाएंगे। तो उनका एक सलाम है, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि दुनिया भर में मौजूद तमाम यूरोपियन एरियाज, बैनुल अक़वामी रियासतें, भारत, मुत्तहिद अरब अमरीका, इमारात, शुमाली कोरिया, चाइना, जापान, सबको ज़ईम रज़ा का वो नाम नहीं ले सकता। आपको पता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं खरी जा सकती हैं, लेकिन अपना नाम लेके मैं बात कहता हूँ कि ज़ईम रज़ा का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गुफ्तगू तो बहुत सारी है, लेकिन दामन वक्त में जो है वो वक्त बहुत कम है, इस तो यहाँ पे उसको मुख्तसर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे भी जो है वो आप अपने वो करें, उसके बाद मैं आप मुझे बताया मैं करते रहूँगा। समझ गई हूँ मैं, बिल्कुल समझ गई हूँ, बहुत अच्छी तरह ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, ट्रांसमिशन कर रहे होंगे बिल्कुल। हाँ, और किसी की मिमिक्री? इसके अलावा जो है वो उनका भी नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन यकीनन आप किसका नाम ले सकते हैं आप मुझे ये बताइए। अपना नाम ले सकता हूँ। तो उनकी वो शुरुआत ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं, द लिटिल आई एम सेइंग भाई साहब का सवाल है, इस्लाम में किसी को कत्ल करना क्यों जो है वो बोला जाता है? मैं भाई साहब से कहता हूँ, इस्लाम कब कहते हैं कि आप दूसरे को कत्ल करें? इस्लाम तो कहता है अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया है तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचा लेते हैं। इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है, इस्लाम जो है वो अमन का गहवार है। उल्टा आंसर द क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब। आप भी सुना है कि बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, तो कुछ अता कीजिए। काश में अल्लाह
देता मुझे और मेरा है मोहम्मद पे बिछाया जाता और मेरा है मोहम्मद पे बिछाया सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नूर सहर ट्रांसमिशन में ब्रेक के बाद।